नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा, आप देख रहे हैं शेयर बाजार लाइव। और मैं हूं डिंपी कालरा। तो आज मार्केट के अंदर उनका दिन है जो शॉर्ट करके बैठे थे। आज उनको सुबह सुबह ही मुनाफा मिल सकता है, लेकिन क्या बाजार ये सुबह सुबह मुनाफा देने के बाद उनकी थोड़ी मुश्किल भी खड़ी कर सकता है, या फिर ये कहें कि एक अपॉर्चुनिटी भी दे सकता है बाजार? तो ये आज का मुद्दा होगा जो कि शेयर बाजार लाइव में सबसे बड़ी चर्चा का मुद्दा बनने वाला है। लेकिन इस समय क्या, अगर आप आंकड़े देखेंगे, आप दो तीन दिन से जिस चीज़ को संभाल रहे थे ना, आज वो थोड़ा कमज़ोर हो रहा है। लेकिन इतना भी कमज़ोर नहीं हो रहा है कि आप ये कहें कि 9000 के नीचे जाने की तैयारी कर रहा है, या फिर 9000 के कहीं ना कहीं चिंता में आ गया है। अभी तक वो लेवल ब्रेक नहीं हुआ। एक ही चीज़ जो हम कल भी ज़्यादातर समय देख रहे थे वो था 9100 के लेवल का, उससे थोड़ा नीचे चला गया था। अब आप फटाफट से संकेत देख लेते हैं और उसके बाद आके डेरिवेटिव्स और कुछ एक टेक्निकल्स की बातचीत करते हुए समझेंगे कि इंडेक्स में क्या करना है, पर्टिकुलर स्टॉक्स में क्या करना है। आज ग्लोबल मार्केट पूरी तरह से हमारे हक में नहीं है, पूरे कमज़ोर है। ना केवल यूएस में कमज़ोरी, बल्कि ये कह सकते हैं कि सभी जगह पर हमको आज कमज़ोरी देखने को मिल रही है। एशिया, यूरोप सभी में कमज़ोरी देखने को मिली है। इसके अलावा दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मार्केट के अंदर जो एक अहम सपोर्ट जोन है वो अभी भी 9000 का बना हुआ है। डीआईएस की तरफ से कल फिर से बिकवाली हुई है करीब 798 करोड़ रुपए के आसपास की। एफआईएस ने इसका ठीक डबल 1600+ करोड़ रुपए की एफआईएस ने खरीदारी की है। पूरा हफ्ता कंसोलिडेशन का रह सकता है। कंसोलिडेशन की रेंज ऑलरेडी हम बता रहे हैं आपको, वो है 9000 और 9200। फार्मा और आईटी कंपनीज पे थोड़ा ध्यान रखें, ये पुलबैक कैंडिडेट बन सकते हैं। कल फार्मा की काफ़ी पिटाई हो रही थी, आईटी भी टूट रहा था, आज होना संभल जाएंगे। साल का अंत होने के कारण आपको ब्लॉक डील्स थोड़ी ज़्यादा दिखेंगी, इसलिए आज सुबह सुबह आप ब्लॉक डील्स पे भी ध्यान रखिएगा कि ब्लॉक डील्स क्या आती हैं। फटाक से एक बार ये भी देख लेते हैं कि निफ्टी की आज की रेंज क्या कहती है। 9040 आज का निफ्टी का एक अहम सपोर्ट रेंज है। 9120 मार्केट के लिए एक रेजिस्टेंस की रेंज बनी हुई है। बैंक निफ्टी 21000 के आज नीचे चला जाएगा, 20800 पे एक सपोर्ट मिल जाएगा, 21150 जो एक सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो फिलहाल करीब 200-250 पॉइंट की रेंज है, लेकिन ये डिप में बाय करने की रेंज भी हो सकती है। 9000 की कॉल पुट और 9200 की कॉल पुट में आप ट्रेड करें अपने वित्तीय सलाहकार की राय लेके। बाजार ये कहते हैं कि 9000 का एक अहम स्तर होगा, ये जल्दी जल्दी नहीं टूटेगा। ट्रेड करने के लिए कमोडिटी शेयर्स बेहतर रहेंगे, आप इसी में चुनिएगा, इन्हीं में ही ज्यादा फोकस रखिएगा। तो ये आज की निफ्टी की रेंज भी है। फटाफट से जान लेते हैं आज मिल रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट से जो क्यूज मिल रहे हैं उसकी हम बात करेंगे, लेकिन इस बीच आपको एशियन मार्केट से जुड़ी अपडेट बता देते हैं। निकाई करीब 1% से ट्रेड कर रहा है, लेकिन नॉर्थ कोरिया के मिसाइल टेस्ट की खबरें आई थी और इन खबरों के बाद अब कोइडो न्यूज़ के हवाले से इनफैक्ट ये खबर आई थी और अब इन खबरों की पुष्टि भी हुई है। मिसाइल टेस्ट की खबरों के बाद निकाई हमने देखा था गिरा था, और आप देखिए कमजोरी जो है वो तेजी से बढ़ रही है, 2% नीचे अब निकाई ट्रेड कर रहा है। रजत मौजूद भी, उन्हीं से अपडेट ले लेते हैं। रजत, सबसे पहले तो एशियन मार्केट्स का हाल ही बताइए, अभी खबरों की पुष्टि होनी बाकी है लेकिन निकाई पे डेफिनेटली एक इम्पैक्ट दिख रहा है। बिल्कुल, खबर की पुष्टि होनी बाकी है लेकिन नॉर्थ कोरिया मिसाइल टेस्ट किया है, ऐसी खबरें आ रही हैं कोरियन न्यूज़ के हवाले से। और पहली बता दूं कि नॉर्थ कोरिया जापान को दूसरा सबसे बड़ा दुश्मन मानता है यूएस के बाद, और यूएस ने पहले ही अनसर्टेनिटी यहाँ पर जाहिर कर दी थी। उनका कहना था कुछ हफ्ते में बड़ा मिसाइल टेस्ट जो नॉर्थ कोरिया कर सकता है, अगर ये पुष्टि हो जाती है तो एक ड्रैग हो जाएगा एशियन मार्केट्स के लिए। ऊपरी सिरों पर आज देखें तो मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है, सबसे ज़्यादा तो निके पे जो जापानी इंडेक्स है वहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है, 400 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट निके में बन चुकी है। तो ये जो एरिया होगा एशियन बेल्ट जो होगी जहाँ पर मार्केट्स ऑपरेट करती है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आज के सत्र में ऊपरी सिरों पर दबाव देखने को मिल सकता है। प्रूफ भी हो रहा है, जापान सबसे ज़्यादा टूटने वाला इंडेक्स, उसके बाद कॉस्पी ताइवान जैसे इंडेक्स देखेंगे तो वहां पर गिरावट है, और एसएनडी निफ्टी खुद 70 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट शो कर रहा है। तो खबर बड़ी है, इसका एक असर है जियोपॉलिटिकल टेंशन जो है इस समय वे कर रही है एशियन मार्केट्स पे, और यही इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। देखना होगा क्या कुछ डेवलपमेंट्स देखने को मिलती है, लेकिन डेवलप्ड मार्केट से भी देखेंगे आप तो 1-2% की गिरावट यूएस मार्केट में थी, और पिछले 5 महीने में सबसे बड़ी गिरावट यूएस मार्केट्स पे देखने को मिली। तो आप समझ सकते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग इक्विटी मार्केट पे देखने को मिल रहे, ऊपर से बॉन्ड यील्ड्स टूटी पिछले सत्र में जिसका असर फाइनेंशियल स्टॉक्स पे देखने को मिला, और खासतौर से फाइनेंशियल्स और टेक्नोलॉजी शेयर्स पे ज्यादा वाले देखने को मिल रही थी। यूटिलिटीज को छोड़ दीजिए, रेस्ट ऑफ द सेक्टर्स जो थे वो सभी लाल निशान में कामकाज कर रहे थे, और यूरोपियन मार्केट्स में मेटल माइनिंग सबसे ज्यादा टूटते हुए नजर आए। तो इस समय इक्विटी पुल आउट देखने को मिल रहा है ग्लोबल मार्केट से, एशिया संकेत वीक हैं, और ये जो नॉर्थ कोरिया की मिसाइल टेस्ट की खबर जिसकी भी पुष्टि होने बाकी है वो निकल के आ गई है, वो सबसे बड़ा नेगेटिव ट्रिगर है एशियन मार्केट्स के लिए समझा जा रहा है। ठीक है, एशियन मार्केट्स के लिए समझाएगा। हालांकि नॉर्थ कोरिया ट्रेड के लिहाज से बहुत बड़ा देश नहीं है, ये तो वैसे अपने आप में क्लोज्ड इकोनॉमी है, ये तो बाहर से ट्रेड ही नहीं करता, कई बैंस भी हैं, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि यह जियोपॉलिटिकल टेंशन रेज कर देता है उस पर्टिकुलर एरिया में, और
इनके जो तानाशाह उसकी सनक तो आप समझते ही हैं कि वो कई बार आप सुर्खियों में भी रहे हैं अलग अलग अपनी वजहों से। इसलिए नॉर्थ कोरिया भले ही दो मिसाइल टेस्ट करेगा लेकिन वो टेंशन जो है पूरे एशिया स्पेसिफिक में रेज हो जाती है। यही वजह है कि जापान सबसे तेजी से गिरने वाला इंडेक्स बन गया एशिया में, करीब 400 अंक की गिरावट है और 2% से ज़्यादा को नुकसान है। फटाफट से देख लेते हैं आज के डेरिवेटिव मार्केट्स का कह रहे हैं, लेकिन पहले राकेश बंसल भी हमारे से जुड़े हैं, एक बार उनसे पहले कमेंट ले लेते हैं निफ्टी का, फिर डेरिवेटिव्स पे चलेंगे। राकेश शुक्रिया समय देने के लिए। ओवरऑल निफ्टी पे आपकी रिकमेंडेशन क्या है? आज जो हमको समझ में आ रहा अभी तक डाटा के बेसिस पर वो तो ये लग रहा है कि बाजार में आज गिरावट तो आएगी लेकिन ये संभल भी जाएगा। ये 9000 तो अहम सपोर्ट है, ठीक उससे पहले वाला सपोर्ट कहाँ पे है? गुड मॉर्निंग डिम्पी। डिम्पी 9000 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, उसी रेजिस्टेंस को निफ्टी ने टेक्निकली तोड़ा था, वहीं पर ऑप्शन बैरियर क्रैक हुआ था। मेरा ऐसा मानना है डिम्पी, जिस तरीके से सिंगापुर निफ्टी से संकेत आ रहे हैं 70 पॉइंट्स गैप डाउन के नीचे में, अगर आप बड़ा सपोर्ट देखें तो 8930 8950 एक अहम सपोर्ट है। और मुझे एज ऑफ नाउ नहीं लगता है कि निफ्टी की एक्सपायरी 9000 के स्तरों के नीचे होगी। अगर 9000 के आसपास के स्तर मिलते हैं तो मेरा ऐसा मानना है डिम्पी एक बार बाइंग करके चलना चाहिए। जैसे आपने भी बोला कि 9000 एक अच्छा सपोर्ट है और दूसरा मुझे भी लगता है समझ जाएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस एक्सपायरी का अगर व्यू है तो मुझे नहीं लगता है एज ऑफ नाउ कि 9000 के नीचे निफ्टी एक्सपायरी दिखाएगा। ठीक है, 9000 के नीचे एक्सपायरी शायद नहीं भी मिलेगी और इसलिए 9040 की लेवल अभी जो राकेश बता भी रहे एवरेज, वो भी हमारा ही एवरेज था और वो भी हम भी ये बात कंफर्म कर रहे हैं कि 9040 शायद बाजार कहीं ना कहीं होल्ड कर जाएगा आज की रेंज में।